क्या तुम वो सब ले आए? हाँ हुजूर। इस बार वो बचकर नहीं जाना चाहिए। क्या कहा? कुछ नहीं। तुमने हमारी बातें सुनी? मैंने आपकी गुप्त योजना नहीं सुनी, कसम खाता हुजूर। खेलते हुए देर तक जगा था और अब मैना उसे सोने नहीं दे रही है। चलो भी सेम, आज हमारे लिए बहुत व्यस्त दिन है। हाँ, चलो मैं देखता हूँ कि जादू से कुछ हो सकता है क्या। अरे यार, मैं सोच रहा हूँ कि वो खुद को कौन सी मुसीबत में फंसाने वाला है। हाँ, लगभग हो गया। देखो खुशबू तो बिल्कुल भुने मुर्गे की तरह है। हाँ, ये वही होगा। मैं इस खुशबू को कहीं भी पहचान सकता हूँ। पर ये सपना है, मैं जान रहा हूँ, पर ये कितना असली है। हाँ? आ, 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 मैं अपने आप को नहीं रोक सकता। हाँ, ये सपना नहीं, ये सच है। रुको, तुम इसे खा नहीं सकते। तुमने देखा नहीं क्या हुआ? माफ करना। चलो, हमें देखना है वो क्या था। अब चलो भी दोस्तों, चलो आ जाओ। बचाओ मुझे, खाना बचाओ। उसे भूल जाओ सैम, तुम्हें जगाने का और कोई तरीका नहीं था। जैसे ही यहाँ कोई खतरा नहीं होगा, मैं तुम्हें दूसरा लाकर दूंगा, मैं वादा करता हूँ। ये बकवास है, हमें वहाँ जाकर सिम्बा का साथ देना चाहिए। अब जल्दी करो। ये बस चतुर्मुर्ग का झुंड है और कोई जानवर नहीं है। चतुर्मुर्ग भी पंछी होते हैं हमारी तरह? मुझे नहीं पता, कुछ तो अजीब है ना? कि सेना क्रूर जानवरों से बनी है और भी बहुत खतरनाक जानवर हैं। वो जरूर कोई चाल चल रहा है। कैसी चाल? पता चल जाएगा, हमें उन पंछियों को वापस भेजना होगा। जैसा तुम कहो मेरे दोस्त। तेंदुओं, चीलों, मुझे तुम्हारी जरूरत है। तेंदुए उन्हें भगा देंगे, चीले तुम्हारी मदद करेंगी। जी श्रीमान, मदद करेंगे सिम्बा। हाँ, ये मैना कहाँ जा रही है? ईगल्स के साथ? सब फैल जाओ। पर मैं उनका नेता हूँ, मुझे उनके साथ होना ही चाहिए अगस्त्य। हाँ, पर खुद खतरे के सामने जाओगे तो वहाँ शेर खान तुम्हें पंजों से जकड़ लेगा। समझदारी से काम लो। देखो, एक शुतुरमुर्ग झुंड से बाहर निकल गया। मैं और पास जाकर पता करने की कोशिश करता हूँ। वो कर क्या रहा है? डॉक्टर,
रहा है। मैना को देखो, वो बहुत गुस्से में लग रही है, वो हार नहीं मानेगी। अरे नहीं, उसे चोट लग गई। मैंने गोल किया, मैंने गोल किया। अरे नहीं। ए, रुको, वो मेरी गेंद है। वापस आओ। रुको, मुझे मेरी गेंद दो। सैम को मदद की जरूरत है। रंको, मुझे नहीं लगता तुम कुछ कर सकते हो, मैं जाता हूँ। सच में तुम सैम की गेंद को बचाओगे? बेशक, यही तो दोस्ती होती है। तो फिर जाओ, तुम बहुत अच्छे हो रंको। सिम्बा, मैं पंछियों को सबक सिखाऊंगा, ठीक है? तुम्हारे पुराने दोस्त? दरअसल नहीं, मैंने कभी उन शुतुरमुर्गों की फिक्र नहीं की। मुझे विश्वास है रंको, पर उनसे सावधान रहना। भरोसा रखो। अरे नहीं, अब ये भी आ गया। देखो दोस्तों, रंको, उस गद्दार में हिम्मत आ गई है। चल ऊपर जा। आ मेरी पीठ। आ मेरी गेंद, मेरी गेंद। तुम वहाँ बैठने के बजाय मेरी गेंद ढूंढने में मदद क्यों नहीं करती? मेरे साथ इस तरह बात मत करो। तो माफ कर दो, मैं ऐसे कभी बात नहीं करूँगा। माफ किया? मुझे लगता है तुम्हारी गेंद वहाँ पर है। जल्दी आओ। शायद तुम्हारे लिए हो सकता है, पर मेरे लिए बहुत कीमती है। वैसे ये शुतुरमुर्ग के खिलाफ तो कम आई। मुझे बचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये ठीक नहीं है। मुझे अकेला छोड़ दो। तुमने पहले हमला किया। क्योंकि मेरे पास तुम्हारे लिए एक जरूरी संदेश है। भूल जाओ, क्या तुम्हें लगता है कि मैं पुरानी चाल में फंसूंगा? नहीं, पर शेर खान चाहता है तुम सिम्बा के लिए मत लड़ो, अगर तुम अपने बेटे की सलामती चाहते हो। को ढूंढ लिया तुमने? समझ गया, शेर खान को पहले ही से पता था वो कहाँ है। उसे देखना चाहते हो तो हमारा साथ दो, समझ गए तुम? मुझे तुम पर भरोसा नहीं, तुम ये बस इसलिए कह रहे हो ताकि मैं शेर खान का साथ दूँ, है ना? शायद तुम्हें इससे भरोसा हो जाए रंको। ये खुशबू,
नोआ, बेटा नोआ तुम कहाँ हो? पिताजी के पास रहो, ठीक है बेटा? बेटा मेरे बच्चे के साथ क्या किया? अब तक तो कुछ नहीं किया है। वाह, हमने उन्हें हरा दिया, हमने शत्रुओं को वापस भेज दिया। शेरखान ने इस लड़ाई का इस्तेमाल सिर्फ ये संदेश तुम तक पहुंचाने के लिए किया है। वो बहुत होशियार है। तुम शेरखान से कह देना, वो जैसा चाहेगा मैं वैसा ही करूँगा। उसे पता था कि तुम समझ जाओगे, इसलिए मुझे भेजा है। बताओ। तुम्हें तुम्हारे बेटे से मिलाया जाएगा चट्टान के पास। तुम ये करोगे ताकि सिम्बा तुम्हारे साथ आए। भूल जाओ, तुम जो करने जा रहे हो घटिया है। सच में उन्होंने मुझे फंसा दिया है। रंको, हमने ढूंढ लिया, ये यहाँ है। रंको, क्या तुम्हें चोट लगी है? नहीं, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी सी खरोच आई है। सच में? हाँ। तुम तो बहुत बहादुर निकले, तुमने उन शुतुरमुर्गों को भी भगा दिया और शेर खान फिर से हार गया। तुम बहुत बहादुर हो रोंको, मैं अपने दोस्तों की तरफ से तुम्हें शुक्रिया कहना चाहता हूँ। और मैना को मत भूल जाओ, उसने भी बहुत बहादुर से लड़ाई लड़ी और सैम को अपना पहला गोल करने का मौका मिला। मैं क्या करती हूँ उसकी मदद के बिना? तुम एक हीरो हो। अगर रॉनको नहीं होता तो मुझे मेरी गेंद भी नहीं मिलती। हमें यहाँ से जल्द निकलना चाहिए। मुझे सबके लिए एक सुरक्षित जगह ढूंढनी है जहाँ हम आराम कर सके। तुम भी रॉनको, चलो। क्या बात है रॉनको, तुम उदास लग रहे हो। मैं उदास हूँ सिम्बा, मुझे एक बुरी खबर मिली है। कैसी खबर? बहुत महीनों पहले मेरा बेटा मुझसे छीन लिया गया था। मुझे पता नहीं वो कहाँ है, पर मुझे आज एक मौका मिला है उसे ढूंढने का। तो तुम इतने परेशान क्यों हो रहे हो? मुझे पता चला वो शेरखान के पास है। शेरखान? क्या तुम्हें यकीन है? जाने से पहले शुतुरमुर्ग ने मुझे बताया था, शेरखान चाहता है कि मैं उसके लिए लड़ूं। समझ गया, शेरखान तुम्हें काबू में रखने के लिए तुम्हारे बेटे का इस्तेमाल कर रहा है। वो चाहता है कि मैं तुम्हें भी अपने साथ ले आऊं। मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा सिम्बा, पर बेटा चाहिए। बेशक, मैं चाहूंगा भी नहीं कि तुम ऐसा करो। ओ बकशॉट, हमारी योजना में थोड़ा सा बदलाव है। पर शेर खान घात लगाए बैठा है, हमें रोंको के लिए बदलना होगा। हमें एक ऐसी योजना बनानी होगी जिससे हम उसके बेटे को ला सके। मैं भी यही मानता हूँ कि हमें अचानक हमला करना चाहिए, उसमें बहुत खतरा होगा। क्यों ना हम अपने दोस्त आर्बर को बुलाएं, वो जानता होगा हमें क्या करना चाहिए, ठीक है ना? पर हमारे पास इतना वक्त नहीं है। सिम्बा सही है, उसे परेशान नहीं करना चाहिए। सैम तुम सो जाओ, हम जरूरी बात कर रहे हैं। मैं भी जरूरी बात कर रहा हूँ सिम्बा, आर्बर ने जो जादुई पोशाक दी थी उसका इस्तेमाल करना चाहिए बस। अच्छी तरकीब है, मैं उस जादुई पोशाक के बारे में बिल्कुल भूल गया था। बहुत अच्छा सोचा तुमने, क्या बात है। देखा सबने, मैं गेंद खेलने के अलावा सोच भी सकता हूँ। मेरी वो पोशाक है कहाँ? यहाँ है। हमें बस एक अच्छी योजना बनानी है और नोवा को वापस लाना है। मुझे नहीं पता था मेरे इतने अच्छे दोस्त हैं। का, क्या तुम मेरी गेंद का ख्याल रखोगे? बेशक, ये मेरे लिए गर्व की बात है। रोंको, हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे नोवा को वापस लाने के लिए। गेंद बचाने के लिए मैं तुम्हारा एहसान मंद हूँ। गेंद के बारे में हम काफी सुन चुके हैं। तुम शुभकामनाओं वाला गाना क्यों नहीं गाती हो? सैम को पसंद नहीं। Thank you.
क्या खबर लाए हो तुम? मैंने आपका संदेश रोंगो तक पहुंचा दिया और वो आपका हुक्म मानने के लिए तैयार है हुजूर। क्या हुआ है तुम्हें? तुम्हारी गर्दन दुख रही है? नहीं कुछ नहीं। कुछ नहीं, मेरी राय में ये लड़ाई लड़ रहा था हुजूर। रैंकू ने इसका गला दबाने की कोशिश की होगी और तभी। इसे बाहर रखो मंदबुद्धि, क्या तुम्हें यकीन है कि वो मर गए हैं? हाँ, जैसे उसे पता चला नोहा हमारे पास है, वो रोते हुए बोला कि वो सिम्बा को हमारे पास लेकर आएगा। बस इतना ही। बहुत खूब, मुझे हमेशा से पता था कि रैंकू उस बच्चे को चाहता है, इसलिए मैंने उसे पकड़ लिया। अब मैं उससे और सिम्बा से पीछे। हाँ जी हुजूर। अरे वाह सिम्बा, तुम्हारा जवाब नहीं। शुक्रिया, मैं तुम्हारी ही नकल कर रहा था सैम। तुमको खत्म कर दो। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई हमारे हुजूर पर ये सब फेंकने की? आपको हमारी लड़ाई देखनी चाहिए थी हुजूर। मैंने सिम्बा और उसके दोस्तों को छुपने के लिए मजबूर कर दिया। ऐसा क्या? अगर उसने मुझे गेंद नहीं मारी होती तो मैंने बस उन्हें पकड़ ही लिया था। एक गेंद? हाँ हुजूर, पहले तो मैं चौंक गया था, लेकिन फिर मेरे अंदर के सिपाही ने उसे तब तक चोंच मारी जब तक उसने हार नहीं मान ली। झूठे! वो रोया हुजूर, दया, मुझ पर दया करो। अभी उन्हें पता नहीं लगना चाहिए कि हम यहाँ पर हैं सैम। हमें नोआ को बचाना है, पर पहले हमें तबाकी को उससे दूर करना होगा। ठीक है सिम्बा, मैं ध्यान रखूंगा। रुको जरा, क्या कर रहे हो? पर रैंको इतना वक्त क्यों ले रहा है? वो यहाँ आएगा हुजूर, मुझे यकीन है। बेहतर हो सिम्बा के साथ आए, वरना। वो यहाँ है। रैंको आ गया? पिताजी। तबाकी यहाँ आओ, तुमने क्या देखा था? क्या हुजूर? तुमने अभी कहा कि वो आ गया मंदबुद्धि। माफ कर दीजिए हुजूर, मुझसे कोई गलत फहमी हो गई। ये आवाज मैंने पहले भी सुनी है। कहाँ सुनी है? बस बस करो तबाकी, सीधे बैठो। दुखता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने मुझे मारा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मैंने कुछ नहीं किया हुजूर, मेरी थोड़ी हिम्मत। हंसना बंद करो तबाकी और इसे हटाओ। मंद बुद्धि। मैं हंस रही था, हंसी आ रही है। नोआ खेला है, यही मौका है सैम, जल्दी करो। चलो सब ठीक है, तुम्हारे पिताजी ने हमें यहाँ भेजा है। नोआ भागी है। क्या ये नामुमकिन है? ये कैसे हुआ? कहाँ गया वो? इसकी कीमत चुकानी होगी तुम्हें। तुम सब निगम में हो, किसी काम के नहीं, निकल जाओ यहाँ से। मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। सिम्बा, मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं? मेरा बच्चा मेरे पास आ गया। जब हम मिलकर काम करते हैं तो कुछ भी हासिल कर सकते हैं, याद रखना। कितना प्यारा बच्चा है। सिम्बा को शुक्रिया अदा करो, वो तुम्हें वापस ले आए। शुक्रिया। तुम महान राजा बनोगे, तुम्हारी बहादुरी हम सबके लिए प्रेरणा का स्रोत है। शुक्रिया रोंको, हम सबको मिलकर जंगल में शांति बनाए रखनी चाहिए और ये हमारी जिम्मेदारी है। ये मत भूलो कि सैम ने भी बहादुरी दिखाई। हाँ। मुझे लगता है तुम्हें एक गाना गाना चाहिए हम सबकी जीत की खुशी में। अब चलो। बेशक। हाँ? मैं उसके लिए नहीं गाऊंगी जिसे मेरा गाना पसंद नहीं। चलो भी, मुझे तुम्हारी आवाज बहुत प्यारी लगती है। ओ, सच में? अच्छा चलो, हमारे नए दोस्त नोवा के लिए कुछ गा के सुनाओ।
आपको पता है जब मैं आपसे दूर हो गया था तो मैं जंगल का गाना गाता था। मुझे वो गाना पसंद है, वो बहुत बढ़िया है। तुम्हारी आवाज बहुत अच्छी है। चलो हमारे जंगल में कोई तो है जिसे मेरी कला की पहचान है। हाँ मैं तुम्हारे गानों को तो सुनूंगा पर तुम्हारा भाषण नहीं। हाँ ठीक है, कैसा रहेगा अगर हम सैम के सम्मान में ये गाना गाए तो? आज का हीरो वही है। सुन के अच्छा लगा। चलो गाते हैं। हराने की शेर खान की चाल एक बार फिर नाकामयाब रही। क्या शेर खान सिम्बा को हरा पाएगा? ये देखने के लिए फिर मिलेंगे।